विश्व प्रसिद्ध हो चुका रतलाम का श्री महालक्ष्मी का बड़ा मंदिर शहर ही नहीं देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर शासन के अधीन है। वर्ष भर आने वाले 30 त्योहार पर धार्मिक आयोजनों के साथ साथ दीपावली पर मंदिर पर विशेष सजावट से देश विदेशों में चर्चा में आता है। विभिन्न आयोजनों में क्षेत्रीय व्यापारियों व समिति का निस्वार्थ सहयोग भी रहता है, जो एक बार फिर मंदिर के पुजारी को लेकर चर्चा में है। रतनपुरी माणक चौक जनकल्याण समिति व माणक चौक व्यापारी संघ ने यहां पूजा अर्चना करने वाले संजय पुजारी की पूजा पाठ करने की विधि पर सवाल खड़े करते हुए व समिति द्वारा मंदिर गर्भगृह में चांदी का कार्य नहीं करने देने की शिकायत की है, जबकि समिति के पास जिला प्रशासन की अनुमति है, मगर संजय पुजारी उक्त शासकीय मंदिर में यह काम नहीं करने व मूर्तियां खंडित करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है, जिसके खिलाफ सभी समिति पदाधिकारी सदस्य सहित माणक चौक व्यापारी संघ संभागायुक्त लोकायुक्त एसडीएम सहित तहसीलदार को शिकायत करने जन सुनवाई में पहुंचकर पुजारी के खिलाफ आवेदन दिया और पुजारी को हटाने की मांग की। क्या माणक चौक महालक्ष्मी मंदिर का जो पुजारी है उनकी पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है, पूरे मार्केट वालों को परेशान कर रखा है, मंदिर के अंदर किसी भी तरह की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, गर्भगृह में जो चाहे वो प्रवेश कर रहा है, मंदिर में एक चोला चढ़ता है, चार चार लोगों से पैसे लिए जाते हैं, मंदिर के अंदर जो चांदी का दीवार बनाने का जो पूरा कार्य करने का था उसमें कुछ 3-3.5 किलो चांदी इकट्ठा भी हुई है, उसके अंदर पंडित जी का ऐसा कहना है कि अगर मंदिर में किसी भी तरह का कोई भी काम किया गया तो मैं मूर्ति को खंडित कर दूंगा। मुद्दा तो यह है, लक्ष्मी जी मंदिर माणक चौक का आवेदन देने आए हैं पंडित जी के विरोध में। क्या समस्या वह है या कि पूजा पाठ बरोबर नहीं हो रही, वहाँ अव्यवस्था फैल रही है, कोई भी गर्भगृह में जाता है, कोई भी आता है, कोई रोक टोक नहीं है, अव्यवस्था पूरी फैल रही है। हाँ, कुछ लोग आए थे जल समय में आज हमारे पास में, उन्होंने ये बताया कि वो लोग कुछ मंदिर का रेनोवेशन कार्य कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अनुमति भी प्राप्त की है, लेकिन मंदिर का पुजारी जो है वो उनको काम नहीं करने दे रहा है, इस तरह की शिकायत आई है। अभी उसको हम जांच कराते हैं, देखते हैं।